पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं होने से पिछड़ा वर्ग समेत कई युवा बेरोजगार हैं। पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग बढ़कर 3,27,523 हो गया है। इसके कारण कई युवाओं का एज पार्ट हो गया है। इसी संदर्भ में कस्ताई कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र द्वारा पत्र परिषद में जानकारी साझा की है। इसमें लड़कियां शामिल है और इस बेरोजगारी के कारण लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। ऐसे में भर्ती करना जरूरी है। न केवल भर्तियों में बैकलॉग है बल्कि प्रमोशन में भी बैकलॉग जस का तस है और बढ़ता जा रहा है। इसलिए पिछले 3 साल से पिछड़ा वर्ग को भी प्रोन्नति नहीं मिली है। सरकार गूंगी है, सिर्फ आंखें बंद है तो कोई सरकार से कहे कि ये भर्ती शुरू करे, लेकिन हम सतर्क है। शासन आते, शासन बैले असते, अनुकई असते, फक्त डोळे पाहते आणि ते डोळे कधी कधी मिटवू नाही घेते। आज 3 वर्ष झाले डोळे मिटवून घेतल्यासारखे झाले। 3 वर्षामध्ये कितीतरी बेरोजगार झालेले आहेत आणि या बेरोजगारांमुळे क्रिमिनल्स म्हणून त्यांच्या जवळ जातात आणि त्यांच्यामुळे त्यांना वाईट मार्गाला ओढण्याचा प्रयत्न करतात। आमची इच्छा असे आहे की असं काही झालं नाही पाहिजे। क्रिमिनल तर आमचे पूर्ण नाही झाले पण निदान ते तर कामाला लागले, ते तर हे झाले तर आमच्या मुलांचं भवितव्य होतं। पण त्याचबरोबर मुलींचं मुलांना नोकऱ्या नाही म्हणून आई वडील देत नाही, काय करतात पोरांना नोकरी नाही, पोरीचा उपाशी आहे काय, त्यामुळे थोडी मोठा प्रश्न आमच्या पुढे निर्माण झालेला आहे। इस सोई हुई सरकार को जगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री से मिलकर यह मामला उनके संज्ञान में लाया है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने 13 अक्टूबर 2024 को 1 दिवसीय प्रतीकात्मक धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दिन पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अपने कार्यालयों में काली पट्टी और सानी बांधकर काम करेंगे। 6 बजे पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार तक यह बात पहुंचा सके कि पिछड़ा वर्ग का विरोध सिर्फ भर्ती के लिए है। हमें यकीन है कि इससे सोई हुई सरकार जाग जाएगी और निश्चित रूप से भर्ती शुरू करने का निर्देश आदेश दिया जाएगा। इस पत्र सम्मेलन में सर्वश्री उत्तम सालवनकर, डॉक्टर सुभाष गायकवाड़, परशुराम गोंडानी, राजकुमार रंगारी, जलंधर गजपरे, विनोद गजपीय, चंदन चावरिया, अजय वानखड़े, मनोज निकोस, संदेश अगलावे, विभूति चंद्र गजपीय, भीम रत्न सालवनकर, डॉक्टर सोहन चावरे आदि मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।